back to my channel and another vlog. Really, it's very embarrassing for me. मतलब कि I don't know but why but मेरे को अब हमको दिखा. वैसे अपने बाल में गार्डर लगाए हुए बिना चल रहे थे बताओ. इंसल्ट हो जाता है तो मैं अपना छोटी खोल के दो छोटी की थी मैं तो एक छोटी खोल के एक इनको दी तभी अपना वो कर रही हैं. मतलब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है. मेरे को तो ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है. तुम बता नहीं. मेरे को एडवेंचर्स थी. मतलब हम लोग मतलब कैसा था उसमें कि दो मतलब कार्ड में जो होता है उस 2 बजे जाना था एंड अभी बज रहा है 6 बज रहा है. तो ऐसा मेरे को प्रतीत हो रहा है कि कहीं लॉक उक ना हो जाए दरवाज़ा एंड वहीं से हम लोग कैसे मुड़ के आना ना पड़े. मतलब तो बहुत बेइज्जती होगा. सामने से देखकर हम लोग आना पड़ेगा वो रेस्टोरेंट. और शायद ये लोग बोल रहे थे कोई बगल का ही खोला है. मेरे को पता नहीं है. मैं देखी हूँ उन लोगों को जो भी है बट देखी होंगी मोहल्ला में है तो देखी होंगी बट मेरे को पता नहीं कि एक्चुअली में इंसान है मतलब कौन है. मतलब वो जो दिखा दिखाई ना मैं मतलब एक बार बहुत तेज़ बारिश हो रहा था एंड मैं दीदी और मेरी मामी की बहन है उसी में हम लोग को थोड़ा 1 घंटा तक वेट करना पड़ता एंड फाइनली जब बारिश खत्म हुआ तब वहाँ से मिल गया. सिर्फ नाम का ये सर बट ऐसा कुछ है नहीं बट बिकॉज सब ऐसा हम लोग को देखने को लग रहा है कोई अजूबा है हम लोग ऐसा लग रहा है. एंड ऑल्सो वी आर लुकिंग लाइक अ ढोली एंड भोली. हमारे ड्रेस जैसा लग रहा है. तो अपने रेस्टोरेंट पहुँच चुके हैं एंड वो रेस्टोरेंट एक ही होटल. हम लोग इधर घर भी जल्दी पहुँच रहे बिकॉज हम लोग अभी अपना सीरियल देखना है. सीरियल टी वी में फोन से कनेक्ट करके मैं टी वी देखूँ. मैं स्पेशली हजारे बग इसलिए आई हूँ. सो यही होटल है तभी हम लोग जा रहे थे. हेलो ये लोग मेरे सब्सक्राइबर. अब मैं बोल क्या बोला अंकल आंटी है. यही है वो मिनी रेस्टोरेंट. बहुत अच्छा है. हाँ अच्छा ही. कैसा लगा आपको रेस्टोरेंट? बहुत अच्छा लगा. बहुत हाँ जाने के बाद हमारे रिएक्ट फेस का पूरा डिसकलर हो गया. पूरा फेस रेड हो गया. इस टाइप का था रेस्टोरेंट. इट्स माई फेवरेट आइसक्रीम फालूदा मस्त. ये जो सॉन्ग बज रहा है ना ये हम लोग ज़्यादातर शूट कर रहे हैं. शैतान बच्चा. मतलब जो बूढ़ी लड़ी थी ना उससे एक बार मेरा और मतलब कि हम लोग फर्स्ट जो पिकनिक मनाए हुए थे उसे सामान खरीदे थे इसके लिए उससे हम लोग का लड़ाई हो गई बहुत तेज़ होना बिकॉज ऑफ दिस. मतलब इसमें इतना ज़्यादा देता है ना मेरे को अच्छा लगता है ये आइसक्रीम. ये हम लोग मेरी मामी की वजह से मामी खिलाई बोलती कि खिलाएंगे इसमें दो परी. मतलब ये भी बहुत आइसक्रीम की बड़ी बड़ी दीवानी. एंड हाँ ये गांधी मैदान है हजारीबाग. रात हो गया इसकी वजह से क्लियर पूरा दिखाई नहीं दे रहा. मेरे को अभी अपना सीरियल भी देखना है. अभी कितना बज रहा है? अभी 7:01 बाकी है. मतलब कि उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है कभी भी स्टार्ट हो सकता है. तो अभी मतलब कि मैं टीवी से कनेक्ट करके देखूं. सीरियल का नाम है ये उन दिनों की बात है. मेरे को भी अच्छा लगता है इनको मस्त सीरियल देता है इस रात तक. यानी बैठ के टीवी में देखते 11 बजे रात या फिर 12 बजे रात तक. मतलब कहीं पे आप जा रहे हैं एंड आप मतलब कि और अब ऐसा लगा कि आपका ड्रेस जो है वो आप उल्टा पहन के चले गए. मतलब आपका रिएक्शन कैसा होगा? जैसा भी होगा एकदम सेम मेरा वैसा ही रिएक्शन है बिकॉज आई डिड दिस. वहाँ से उस रेस्टोरेंट के आने के बाद हम एकदम पूरी तरह से. सो आज हमारा क्वेश्चन ये था कि आध्यात्मिक किसे कहते हैं. प्लीज़ आप लोग कृपया बताएं कि आध्यात्मिक किसे कहते हैं. सो मैं वैसे तो मैं बोली थी कि मैं हर एक ब्लॉग में अपना क्वेश्चन पूछूंगी. तो आज का क्वेश्चन यही है कि आध्यात्मिक किसे कहते हैं बिकॉज इसके आगे वाला सारा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है. सो फास्ट बताए जल्दी बताए मेरे को आध्यात्मिक किसे कहते हैं. हाँ तो मैं बता रही हूँ. सो अगर सिंपल एक वर्ड में बताऊँ तो आध्यात्मिक उसे कहते हैं मतलब कि अपने आप को टोटली कृष्ण को पूरा समर्पित करना अपन करने के लिए उस रास्ते पर अग्रसित हो जाना. जो मैं खुद मैं तो थोड़ा बहुत हो चुकी हूँ एंड इसके आगे सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे. तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि आध्यात्मिक होता क्या है. मतलब कि दूसरे का केयर करना दूसरे का किसी भी इंसान का मदद करना या फिर अच्छा सोचना. ये कौन सा आइसक्रीम है ताने? जो मेरे को बिल्कुल भी मेरे को सिर्फ फालूदा बहुत अच्छा. So finally that's for today vlog. We will meet again in my next video. So till then, bye bye.